नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के साथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर जनता में तो रोष है ही, साथ ही राज्य सरकारों ने भी हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने से एक तरह से इनकार कर दिया है। सीएम कमलनाथ का कहना है, सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान की हिफाजत करना हम भी चाहते हैं, पर ये देखना चाहिए कि जुर्माना अव्यवहारिक ना हो और लोगों की क्षमता के अनुरूप हो। जुर्माने की राशि पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे। सूबे के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तो साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में नया कानून फिलहाल तो लागू नहीं होगा। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो तुगलकी आदेश दिया है, ये तुगलकी आदेश देने का समय नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के लोगों पर अधिक जुर्माने का भार ना आए। ये तो रही मध्य प्रदेश की बात, कई राज्यों में केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी शासित प्रदेशों में भी विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। आइए जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। बीजेपी शासित उत्तराखंड और गुजरात सरकार ने जुर्माने की राशि आधी की। बीजेपी की कर्नाटक सरकार भी जुर्माने में ढील देने के मूड में है। पश्चिम बंगाल ने सरकार के नियमों को कठोर बताते हुए लागू करने से मना कर दिया। पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान सरकार ने नियमों में नरमी बरतने के संकेत दिए हैं। ये तो रही केंद्र सरकार के फैसले के विरोध की बात, लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का हवाला देते हुए राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि दबाव में राज्य सरकारें जुर्माना कम ना करें। सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश को 2% GDP का नुकसान होता है। जुर्माना कम करने या नया कानून लागू नहीं करने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में अगर लोगों की मौत होती है तो राज्य सरकारें जिम्मेदार होंगी। कुल जमा नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मोदी सरकार चौतरफा निशाने पर है। आम जनों में जहां खासा रोष है, तो राज्य सरकारें भी जनता के मूड को देखकर नया कानून लागू करने में हिचकिचा रही है। आगे आगे देखिए होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट ने इन दिनों पूरे देश को हिला कर रख दिया। भारी भरकम जुर्माने से हर खासो आम खौफ जदा है, तो राज्य सरकारें भी पशुपेश में हैं या असहमति भी जताती नजर आती हैं। आखिर नए प्रावधान लागू करें या न करें, इस पर बहस जारी है। हद तो यह है, बीजेपी शासित राज्यों में भी इससे असहमति नजर आ रही है और नया तरीका भी इजाद किया जा रहा है। कुछ ने नया कानून लागू करने से इनकार कर दिया तो कुछ ने जुर्माने की रकम आधी कर दी। सवाल यही है, जब बीजेपी की सरकारें तक इस नए कानून को अव्यवहारिक बता रही हैं तो केंद्र सरकार ने अड़ियल रवैया क्यों अपनाया और किस नजरिए से नया कानून बनाया है? सवाल कई हैं और यही हमारा आज का विशेष नया एक्ट, अपनों का भी रिएक्ट। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से धैर्यवर्धन शर्मा, विजयवाते ADGP हैं, रिटायर्ड ADGP हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, साथ ही अवनीश बुंदेला हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मेरे सहयोगी स्टेट एडिटर हैं उत्तर प्रदेश से RC भट्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। RC भट्ट, क्या रुख है उत्तर प्रदेश सरकार का इस एक्ट को लेकर? नया एक्ट और अपने लोगों का रिएक्ट, ये बहुत ही सही स्लोगन है। और जिस तरह से गडकरी जी ने इसको पूरे देश में लागू करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट को उन्होंने बनाया और सड़क हादसों को रोकने के लिए एक जुर्माने का प्रावधान किया, और जुर्माना इतना कि एक लंबी धर्मराशि है, यानी कि उस जुर्माने को कमाने के लिए कई महीना लग जाए किसी भी व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता का के ऊपर थोपा हुआ ये फैसला है। और जिस तरह से जनता के ऊपर ये थोपा हुआ फैसला, जब इसका प्रचार प्रसार थोड़ा शुरू हो गया, तो इसके वो राज्य जो बीजेपी शासित हैं
उन्होंने भी इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि हरियाणा बात करें हम, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बहुत सारे राज्यों में भविष्य में चुनाव होंगे, तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं इस नए मोटर व्हीकल एक्ट का जरूर पड़ता, क्योंकि कोई भी आदेश हो, अगर किसी भी चीज का, बात नोटबंदी की करें, जीएसटी की करें, या किसी भी चीज को अगर केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को करना होता है तो वो तरीके से, एक संयमित तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से करना होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये मोटर व्हीकल एक्ट आया है और एकदम से भूचाल आ गया है, और उसके साथ साथ जो जुर्माने की जो राशि है वो इतनी बड़ी है कि कोई अपनी बाइक को जला दे रहा है, कोई ऑटो छोड़ के भाग जा रहा है, नोएडा में किसी को हार्ट अटैक आ गया जुर्माने की राशि को सुन के, और कोई अपनी 2 महीने की तनख्वाह गवा बैठ रहा है जिससे वो भुखमरी के शिकार हो जाएगा, तो इसका असर कहीं ना कहीं जनता पर पड़ने वाला था और केंद्र सरकार को ये खतरा वो भाप नहीं पाई थी। निश्चित रूप से अगर गडकरी जी ये बात कहते हैं कि सड़क हादसों को रोकने के लिए ये बनाया गया है, तो सड़क हादसों पर मैंने खुद स्वयं बहुत काम किया है, बहुत सारे सुझाव मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं कि सड़क हादसे किस तरह रोके जाएं, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, उसमें बहुत सारी सब चीजें सिखाई जाती हैं, अवेयरनेस की जरूरत होती है, लेकिन किसी को डरा कर यानी जबरदस्ती किसी को थोप कर आप बिल्कुल जो है ये काम नहीं कर सकते हैं, और ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए और उन बीजेपी शासित राज्यों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता, और जिस तरह से अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आ रहा है ये बिल्कुल अति विवेक केंद्रीय चीज बता रहे हैं, अब धीरे धीरे ये राजनीतिक रूप ले रहा है, तो जाहिर सी बात है अब जनता को अगर तकलीफें होंगी और जनता कहीं विरोध में सड़क पे उतर जाएगी तो बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री ये समझ रहे हैं इसका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा। चल धर्मवर्धन, जल्दबाजी में कानून लागू कर दिया गया, कई गुना अधिक जुर्माना लगा दिया गया, और अब तो अपने ही इससे इत्तेफाक नहीं रखते। नया कानून जो आया है जी, वो देश में सड़क दुर्घटनाओं की जो चिंताजनक संख्या थी उसके कारण से आया। आप देखिए लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और एक्सीडेंट की संख्या तो कई गुना अधिक है। पिछले वर्ष का भी 1,46,000 या 44,000 का आंकड़ा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 4.5 लाख दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसका मैं हवाला दे रहा था। और पिछले 3 वर्षों में एक और फिगर मेरे सामने है, 79 कंट्रीज में, 79 देशों में दुर्घटनाओं में कमी आई है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, नए कठोर कानून बने उनके कारण से असर आया है, पर भारत सहित 68 देशों में इस संख्या में इजाफा हुआ। तो मुझे लगता है सरकार फिर क्या करे, कैसे लोगों को समझाइश दे, कैसे लोगों को मनाए कि भाई आप शराब पी करके गाड़ी मत चलाइए, आप बगैर सीट बेल्ट के मत चलिए, आप नाबालिग बच्चों को गाड़ियां उनके हाथों में न दे दें, तब सरकार को, केंद्र सरकार को ये कठोर निर्णय करना पड़ा। और आप जानते हैं कि कठोर निर्णय हमेशा छाती पर पत्थर रख खड़ी किए जाते हैं, कोई जानबूझ करके इस प्रकार की कठोर बात पब्लिक के सामने कोई लागू सरकार नहीं करना चाहती, फिर भी लोगों को लोकतंत्र में अधिकार है, उनको जहां लग रहा है कि अतिरेक है, ज्यादा है, वो अपनी बात रखें। सरकारें इसलिए धैर्यवर्धन छाती पर पत्थर रख लिया, सब कर लिया, अपनों की ही सांस लेना मुश्किल हो गया, आपकी ही सरकारें, खासतौर से गुजरात सरकार जहां से गृह मंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, और महाराष्ट्र सरकार जहां से खुद गडकरी आते हैं परिवहन मंत्री, गुजरात महाराष्ट्र और हरियाणा की बात नहीं है, उन दोनों जगहों पर राज्य सरकारों ने असहमति जताई है। यहां तक कि गुजरात में 90% तक जो आपने जुर्माने का प्रावधान किया उसमें कटौती कर दी है कई उसमें प्रावधानों में, तो अपनी ही सरकार सहमत नहीं है। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर है, क्यों नहीं एक आम सहमति, एक आम राय बनाई गई, ऐसा है क्या आखिर अचानक कि आप इतनी तेजी से थोप देते हैं, जबकि आपके पास तो एक ऐसा लीडर है आपके पास क्या देश के पास जो मन की बात कह देता है, लोग समझ लेते हैं, फिर भी मन की बात नहीं कही और इसमें इतना ज़बरदस्त कानून बना दिया कि जितने का ढोल नहीं उतने का मजीरा, जितने की गाड़ी नहीं उससे ज़्यादा जुर्माना हो रहा है लोग।
नहीं, ये चीज तो मैं उल्लेख करूंगा, मन की बात में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को लेकर के चिंता जताई थी जी। और बात अकेले गुजरात हरियाणा महाराष्ट्र की नहीं है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है जी। संघीय ढांचे में कुछ कर रही है कांग्रेस की सरकार है, विरोध कर रही है आपके, नहीं, पर कांग्रेस को लोग लागू करने से मना कर रही है। लोकसभा में भी थे, राज्यसभा में भी थे इसी कांग्रेस पार्टी के नेता, उस समय संशोधन के लिए प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आए, उस समय उन्होंने वहां विरोध क्यों नहीं जताया, वहां कम करा लेते, पर तब नहीं कराया क्योंकि हो सकता है वो राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। पर अभी भी मैं कहूंगा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में जहां जहां आता है यदि वो कम करना चाहें, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है, टकराव की बात नहीं है, वो करें, और जहां उनको लगता हो कि वो प्रधानमंत्री जी से, मोदी गडकरी जी से इस संबंध में बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं, स्वागत है। अब तो आम नागरिक के हाथ में भी हथियार है, वो ट्वीट कर सकता है सीधे माननीय मंत्री जी को। अवनीश, आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप? जवान जी, मैं सीधी साफ बात बोलूं, जब तक इस देश की जनता इस देश की सरकार को इमोशनल स्तर पर चुनेगी, राष्ट्रवाद, धर्म, गाय, बछड़ा, तब तक ऐसे निर्णय ये सरकार करती रहेगी। पहले भी किए हैं, ये चौंकाने वाले निर्णय करने की इस सरकार को आदत पड़ गई, क्योंकि जनता ने उस चीज को पचा दिया, दूसरे चुनाव में जनता ने उस चीज को उसको इनाम स्वरूप दोबारा सत्ता में दे दिया। अभी और बेलगाम हो गए रिजवान जी। आप एक बात मुझे बताइए, सबको मालूम है ये हमेशा ऐसे निर्णय ले, जैसे इनने जीएसटी जब लागू किया उस समय देश की जीडीपी 2% कम हो गई थी नोटबंदी के बाद, उन्होंने पांचवें महीने में जीएसटी लागू कर दिया। तो मतलब और कहते ना, आपने एक तो करेला और नीम चढ़ा, ठीक है। इसके बाद आप देखें, सबको मालूम है कि बरसात के सीजन में सड़कों की हालत बहुत खराब होती है, उस समय आप इस तरह के कानून लेके आ रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा, पहले ही इस देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी के बोझ से दबी हुई है, ठीक है। पहले ही इस देश की जनता, आप देखें आज की तारीख में आप यहां से इंदौर जाते, आने जाने में आपका 600 से 700 रुपए टोल लग जाता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति आज नई कार खरीदता है तो रोड टैक्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, आपको यह भी मालूम होगा, कार खरीदने में लगभग 10 से 11% उसको रोड टैक्स में देना पड़ता है, आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह में। इसके अलावा आप देखें, अभी जो दुर्घटनाओं की बात कर रहे थे मेरे भाजपा के मित्र, मैं बताना चाहूंगा 638% इस साल जो क्लेम सेटल हुए हैं रोड एक्सीडेंट के, उसमें इजाफा हुआ, लेकिन उसमें 90% जो इजाफा हुआ है वो बिकॉज ऑफ कहते ना, कोई और जो कुछ जो रास्ते में कोई जानवर आ जाता है या जो रोडों पे, वो सुरक्षा की आवश्यकता है। सबसे पहले आवश्यकता है कि रोड पर कोई जानवर ना आए। कई बार गौ माता भी आ जाती हैं, कई बार डॉग्स भी आ जाते, कोई भी आ जाता है, तो सबसे पहले आपको वो काम करने की आवश्यकता है। आपने जिस तरह से ये तुगलकी फरमान दिया, निश्चित तौर पे ये जनता पे, आप ये एक हिसाब से जनता पे एडिशनल बोझ डाल रहे हैं। और जबान जी बताएं, नहीं तो कैसे आप जागरूक करेंगे जनता को, आप कैसे रोड एक्सीडेंट रुके इसके लिए कोशिश करेंगे? ये जैसे अगर जानवर भी सड़क पर आ जाते हैं तो ये तो राज शासन का विषय है। इसके अलावा क्या कुछ कम जुर्माने, उसमें से कुछ कम जुर्माने करके आप आगे बढ़ने वाले हैं, या चूंकि केंद्र ने ऐसा कर दिया तो आप उसको मानेंगे ही नहीं? रिजवान जी देखिए, आप भारत देश को अन्य देशों से तुलना नहीं कर सकते। जैसे भी कह रहे थे 78 देशों ने ये किया है, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे काफी मजबूत है, किसी का डॉलर चलता है, किसी का पौंड चलता है, वो हमसे कई गुना 100-100 गुना 80-80 गुना ज्यादा कमाते हैं। तो आप वो अगर वो उस तरह का जजिया कर कहूंगा मैं इसको, अगर आप उसको इस देश में लागू करेंगे ना तो बड़ा शर्मनाक है। आप जो व्यक्ति अगर एक मोटरसाइकिल से किसी दिन हेलमेट पहन के नहीं जा पाता है किसी कारणवश, मतलब चलिए कहीं वो खड़ा है, आप 2000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं। 10,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति से अगर आप 2000 या 5000 रुपये जुर्माने के रूप में ले लेंगे, वो महीने भर की अपनी अपना खर्च पानी, अपना घर परिवार कैसे चलाएगा, ये सोचने का विषय है। लेकिन मेरा सवाल जो था वो आपने जवाब नहीं दिया। धर्मवर्धन, आपको मौका दूंगा, धर्मवर्धन मौका दूंगा आपको, अरे मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा, धैर्यवर्धन मैं आपको मौका दूंगा। और दुनिया को आदर्श मत बनाइए हमारा, हम दुनिया के लिए आदर्श हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, फिर दुनिया को आदर्श मत बनाइए, करेंगे उस पर भी बात करेंगे आप। अवनीश, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, मैंने आपसे सीधा पूछा आप कुछ प्रावधान कम करेंगे, कुछ इजाफा करेंगे,
जानवरों को सड़कों पर आने में रोकेंगे कैसे, सड़कों के गड्ढे कैसे ठीक करेंगे और जागरूकता कैसे फैलाएंगे, बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियां आपकी भी हैं। रिजवान जी, हमारी सरकार जो अभी प्रदेश में है, आपको जानकारी होगी कि गौवंश की रक्षा के लिए हम बड़े ठोस कदम उठाने वाले हैं कि जिससे गौ माता इस प्रदेश की रोडों पर ना पाई जाए। आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई, शायद आपने पहली बार पेपर में इस तरह के फोटो छपे होंगे कि आज इस क्षेत्र से इतनी गौ माताओं को, क्योंकि जो कहते हैं आवारा जो मवेशी, आवारा जो पशु घूमते हैं, वो सबसे चिंताजनक का विषय है। सबसे ज्यादा मैंने बताया ना, 90% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं आज की तारीख में, वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं जो कहते हैं ना, जो कोई और रोड पर आ जाता है एकदम, कोई हडल से जाता है, कोई जानवर सबसे ज्यादा है। तो हम निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए, बाकायदा आज के पेपर की हेडलाइन भी थी, हमारे जो PWD मंत्री ने बाकायदा कहा कि हैं, अगर वो रोड खुदी हैं, टूटी हैं, उनको रिपेयर किया जाए, अन्यथा हम उन कंपनी को ब्लैक लिस्ट करेंगे। अरे मैं तो मोटर व्हीकल एक्ट पर बात कर रहा था। मैं सर आपको उस पे क्या करने वाले हैं आप लागू करेंगे भी कि नहीं, मतलब आप करेंगे नहीं, केंद्र ने कर दिया इसलिए आप करेंगे? सर देखिए, अगर केंद्र ने लागू किया है तो हम उस पर रिसर्च करें, लेकिन इस तरह का तुगलकी फरमान वाला मोटर व्हीकल एक्ट तो हम लागू नहीं करेंगे। और मेरा प्रश्न तो ये आपके कार्यक्रम में भी देख पा रहा था कि इनकी जहां सरकारें हैं, जो इनकी पाठशाला, वो तो मैं बता चुका, जी, तो मैं बता चुका, उन्होंने भी कुछ तो मेरे लिए भी छोड़िए सर, इसमें हम भी कुछ तो मेरे लिए भी छोड़ दीजिए इसमें। चलिए चलिए चलिए, अवनीश फिर एक बार मैं फिर लौटूंगा। धैर्यवर्धन के कुछ सवाल भी हैं आपसे। विजय वाते साहब, आप एक्सपर्ट हैं, बरसों से देखते रहे हैं, सख्त कानून बना दो, उससे क्या काम चलता है? यह जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और जुर्माने क्या है, इस तरह से कई गुने बढ़ा दिए जाते हैं, जो व्यवहारिक होते हैं कि अव्यवहारिक होते हैं, और इससे क्या भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और क्या चीज़ें होती हैं, इसको लागू कराने में इससे सहायक सिद्ध होते हैं या फिर कहीं और कई तरह की समस्याएँ खड़ी होती हैं? असल में बड़ी देर से मैं सुन रहा हूँ, सब लोग नया एक्ट बोल रहे हैं। जी, सभी कह रहे हैं कि बड़ा नया एक्ट है, मेरी समझ में आया इसमें नया है क्या? जी, जुर्माना है नया साथ, सिवाय जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। जी जी, वो तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बार बढ़ाई गई। मैंने अपने एंकर में नया प्रावधान किया है। आपने नहीं किया, मैंने प्रावधान किया। मैं आपको, आपने बहुत अच्छी बात कही, कोई भी कानून प्रभावी तब होता है जब कानून को लागू करते वक्त अपराध को रोक भी दिया जाए साथ साथ। जी, इस एक्ट में या इसके पहले जो एक्ट था, देखिए हमारे यहाँ जो IPC CRPC बनी है 1861 में बनी, 1861 में पाकिस्तान ने बदल दिया, हमने नहीं बदला आज तक। 1857 में जब देश में क्रांति हुई, तब अंग्रेज ने सोचा कि हमको पुलिस ऐसी बनानी है, कानून ऐसा बनाना जो कि यहाँ की जनता पर राज करे। जी, और वो जो कानून बनाया वो आज लगभग चला आ रहा है, 19-20 आज उसी मात्रा में चल रहा है। देखिए भोपाल में गैस त्रासदी हुई, कितने लोग मरे, सजा कितनी हुई, 2 साल 2.5 साल, क्यों हुई? क्योंकि 304A में प्रावधान ही नहीं है, वो साहब बहादुर के हक में था। जी, उस तो अब आप जब कानून की बात, अगर आप एक तरफ बहुत दावे करना और क्या कर, कोई वादा कर सकता कि साहब अब इस साल पिछले साल से कम दुर्घटनाएं होंगी, दिख जाएगा आगे साल भर में। देखिए एक आप, मैं देख रहा हूं कि असल में बुनियादी इश्यूज पर कोई नहीं जा रहा है। अभी थोड़ा भट्ट साहब थोड़ा सा उस तरफ गए थे अभी जो बात करते करते, कि एक्सीडेंट केवल एनफोर्समेंट के कारण नहीं रुकते हैं या होते हैं, आपने भी थोड़ा टच किया, एक होती है इंजीनियरिंग। अगर रोड इंजीनियरिंग अच्छी है, रोड में ब्लाइंड कर्व्स है नहीं है, ब्लाइंड कर्व के वहां पर क्या स्थिति बनी है, किस तरीके आप उसको रोक पाते हैं, स्पीड अपने आप कम कैसे होती है, तो एक तो रोड इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका एनफोर्समेंट तो खैर है ही महत्वपूर्ण, दूसरा आपका वाहन जो है वो भी बहुत पूर्ण है, उसकी फिटनेस क्या है, वो रोड वर्दी है कि नहीं है, वो किस तरीके से आप देखेंगे विदेशों में अपन बात करते हैं, बड़े के बड़े लॉट वापस आ जाते हैं, 50-50 लॉट वापस आ जाते हैं अपनी फॉक्सवैगन के, जो मार्केट से निकाल के वापस ले लेते हैं, इतना सख्त एनफोर्समेंट करना पड़ता है। तो बहुत सारे इशूज है, उसमें शोध की जरूरत है, शोध करके उन कारणों पर केवल। दूसरी बात है कि आपने आज किसी को ड्रंकन ड्राइव में पकड़ लिया और आपने उसको जुर्माना कर दिया और छोड़, एक्चुअली जुर्माना तो कर नहीं सकते आप शमन समझौता कर रहे हो, ये ना अपराध में समझौता, ये अपने आप में बड़ी अच्छी विचित्र स्थिति है। आप पुलिस को भ्रष्ट तो कह देते हो, आराम से करते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये भी तो भ्रष्टाचार है। आप अपराध को होने दे रहे हो, पैसा लेकर के सरकार होने दे रही है, तो सिद्धांत तो वही है। मतलब आप अपराध के लिए एक रिश्वत ले रहे हैं, खुलेआम और रसीद दे रहे हैं उसकी कायदे से। देखिए अगर मान लीजिए किसी ठीक है कि आओ, एक आखिरी में खत्म कर दूंगा,
परिवहन की बात हो रही है, ओवरलोडिंग जाता है, ट्रक आता है, ट्रक से ओवरलोड का चालान हो जाता है, जो अपना हिसाब किताब बना वो हो जाता है, ट्रक आगे चला जाता है। आप क्यों नहीं आप वहां पे ऐसे गोदाम बनाते हैं कि ओवरलोड हुआ है माल खाली करो जी। खाली करके जाओ, दूसरा ट्रक लाओ, उसके बाद जाओ। क्यों आप लॉजिस्टिक क्यों नहीं तैयार करते उसके लिए, एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनता? अगर कोई शराब पी गाड़ी चला रहा है तो उसके बाद वो बंद हो जाए, अगर किसी का लाइसेंस नहीं है या हेलमेट नहीं है तो भैया हेलमेट नहीं है तो आप जो है यहाँ गाड़ी खड़ी है तो पहले हेलमेट लेके आ, यहाँ दुकान भरी है नहीं खड़ी तो नहीं तो तेरी गाड़ी जब्त करेंगे। तो आप अगर कानून से उसको कानून को सही स्पिरिट पर लागू करना चाहते हो तो आपको उस समय अपराध को रोकना भी पड़ेगा। केवल ये नहीं कर सकते अपराध को होने दो और उसका पैसा ले लो, तो बुनियादी तौर पर इस आओ अपराध करो और कीमत दे जाओ, कीमत दे। तो ये ऐसा नहीं कोई हमारे यहाँ ही हो रहा है और ये बात भी दुनिया में हो रही है देश, मतलब ये। पर ये अगर ज्यूरिसप्रूडेंस की बात करते हो, कानून विधि विज्ञान की बात करते हो और अपराध के का दंड बढ़ा देने से अपराध रुकता होता तो आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ कर लेना होता है। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से नितिन चौबे भी जुड़ गए। नितिन, छत्तीसगढ़ में भी सरकार सहमत नहीं है, लागू नहीं कर रही है, लेकिन क्या लगता है? अभियान हम बहुत पहले भी देखते रहे हैं, सप्ताह मनाया जाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह, इस तरह के हम कई अभियान देखते हैं। पीछे हम ये भी देखते थे कि एक बाकायदा पूरी एक टीम बनाई जाती थी परिवहन विभाग के साथ मिलकर, जिसमें गाड़ी की फिटनेस देखा जाता था, अन्य तरह की चीज़ें देखी जाती थी, गाड़ी के सब तरह की चीज़ें होती थी और कोशिश भी ये होती थी कि इसको ऑन द स्पॉट ठीक कर लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर इंश्योरेंस ऑन द स्पॉट कर लिया जाए, बाकी सारी तरह की चीज़ें कर ली जाएँ, हेलमेट का प्रावधान ऑन द स्पॉट करके, जैसा कि विजय वाते साहब ने भी कुछ इशारा किया था इस तरह की चीज़ों को, तो अगर ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर होगा? आप किसी से जुर्माना वसूल लें, अगली बार उसको फिर वही करने के लिए छोड़ दें, इससे बेहतर है कि आप उसके उन्हीं पैसों से उसका इंश्योरेंस से लेकर सब कुछ करवा दें, स्पॉट पर ही करा दें, ताकीद कर दें कि भाई ये करके लाओगे तब गाड़ी छूटेगी और इस तरह से करके लाओ, तो हो सकता है एक जागरूकता भी हो और लोगों पर इतना बोझ भी नहीं पड़े। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे ये जो बात चर्चा चल रही है और इस प्रावधान की जो बात कर रहे थे हमारे वरिष्ठ हैं, तो ये इसी सोच के साथ जो यहाँ के परिवहन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उन्होंने हालांकि उसी दिन घोषणा के दिन इस बात को सिरे से नकारा कि ये बहुत ही महंगा कानून है, इसको छत्तीसगढ़ में नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ इस बात को भी रखा जिस बात की चर्चा हम अपने इस कार्यक्रम में कर रहे हैं कि इससे पब्लिक से सुझाव मंगाए जा रहे हैं। एक कमेटी बनाई है परिवहन मंत्री ने कि पब्लिक इसमें क्या चाहती है, किस तरह की पहल हो। हालांकि जिस तरह की पहल की हम अभी चर्चा कर रहे थे उस तरह के समय समय पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने, यातायात विभाग ने अलग अलग किस्म के प्रैक्टिकल किए हैं, लोगों को फ्री हेलमेट भी पाते हैं चौक चौराहों में, पुलिस में खड़े होके या किसी तरह से उनको बोला गया है कि आप गाड़ी यहाँ खड़े करके जाए, हेलमेट लेके आए, उसके बाद ही हेलमेट। पेट्रोल पंपों में भी ये नियम बनाए गए छत्तीसगढ़ में बीच में कि उनको ही पेट्रोल या डीजल मिलेगा, माफ कीजिएगा पेट्रोल मिलेगा, जो हेलमेट पहन के पेट्रोल पंप जाएंगे, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं पब्लिक कोई सरल रास्ता ढूंढती है कि बाहर में किसी का उधारी हेलमेट मांगकर इस तरह से किया जाए। छत्तीसगढ़ में अगर हम सिनेरियो की बात करें तो हालांकि आम जनता इसको बहुत महंगा मान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सख्ती भी जरूरी मानते हैं आम जनता कि अगर इस तरह की हाई फाइन से किसी तरह की सख्ती बरती जाए तो बिल्कुल पब्लिक जागरूक होगी। और उसमें जिस तरह के सुझाव हमारे साथी जो अभी चर्चा में बैठे हुए हैं वो दे रहे हैं, उसकी ओर छत्तीसगढ़ जो शासन है वो अग्रसर है, एक कमेटी बनाई है और लोगों बिल्कुल से चली। नितिन आरसी भट्ट, क्या लगता है आपको कि जागरूकता, अगर कोई चीज करनी है तो जागरूकता बेहतर है, ऑन द स्पॉट एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाकर कि जल्दी ये फिटनेस के लिए इतने इतने ढेर सारे कागज, पहले आरटीओ या परिवहन विभाग या खास तौर से इस तरह के विभाग जो ट्रैफिक विभाग है वो कुछ इस तरह के स्मार्ट कार्ड वगैरह पहले देते थे, कुछ इस तरह की चीज़ें भी वो करते थे, अपने स्तर पर करते थे जिला स्तरों पर, तो क्या इस तरह के प्रावधान कर दिए जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है, या भारी भरकम जुर्माना वसूल लो फिर देखा जाएगा? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर कई बार उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई है, मुझसे भी चर्चा हुई है और हमने इन चीजों को समझने की भी कोशिश की है
कि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, किन परिस्थितियों में होती हैं, और इसका बहुत सारा तकनीकी कारण भी है। और सरकार को कुछ ऐसी चीजों को करना चाहिए जैसे कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और उसके साथ साथ जागरूक करने का काम, और जो जो हेलमेट का प्रावधान है, मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको देता हूँ छोटी सी बात की, कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, उस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद जब योगी सरकार आई तो लगातार आवागमन शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही कुछ समय गुजरा तो बहुत तेजी से 20, 25 लोग, 15 लोग, 18 लोग रोज मरने लगे। सरकार को यह समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस विषय पर गया, बहुत तेजी से जब मैं इस पर काम किया और मैंने पूरा रिसर्च किया कि आखिर इतनी दुर्घटनाएं, जैसे ही सुबह का अखबार खुलता था, जल्दी से बताइए भट्ट साहब, वक्त कम है मेरे पास, क्या रिसर्च पर गए आप, जल्दी बताइए। रिसर्च बिल्कुल साफ तौर पे, एक तो सबसे बड़ी बात ओवर स्पीड, मैंने वहां ये देखा कि लोग अनियंत्रित गति से गाड़ी चलाते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं। दूसरा, जो उनके टायर थे गाड़ियों के, यानी कि वो जब अपनी स्पीड से चलते हैं गर्म हो जाते थे, वो टायर जो है वो जो सड़कें बनी हुई हैं वो तारकोल की नहीं है, वो कंक्रीट की हैं, और वो ऐसी इंजीनियरिंग से बनी है कि टायर से प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, अगर हम मान लीजिए 30 पाउंड पे गाड़ी चला रहे हैं, छोड़ दीजिए, आप 50 किलोमीटर जाते हैं तो वो 40 पाउंड हो जाती थी। ये बातें जब मैंने परिवहन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिनिस्टर को बताई तो वो लोग हैरान रहे। व्यक्तिगत रूप से आपने मुझसे आपने व्यक्तिगत रूप से किया था, और आपने ये बात मुझसे तब जिक्र की थी जब वहां जनसंपर्क के एक प्रमुख अधिकारी किसी दुर्घटना का शिकार हुए थे, उस दौर में आपने मुझसे बात जिक्र की थी, साल तकरीबन मुझे लगता है 2 साल से भी पुरानी बात है, जब जिस समय आपने ये बात मुझसे की थी। धर्मवर्धन, सरकार के नियत के बजाय उसकी मनमानी पर बहुत ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार की इतनी मनमानी क्यों, ऐसा क्यों एकदम से थोप देने की जो कोशिश है उस पर सवाल सबसे अधिक है। एक्सीडेंट रोकना सब चाहते हैं, लेकिन एक माहौल बनाइए, एक कोशिश कीजिए, लेकिन जनता पर इतना बोझ मत डाल दीजिए। हर घंटे 16 लोग एक्सीडेंट में अपनी जान खो देते हैं, भारत में एक्सीडेंट 1.5 गुने हो गए हैं। सरकार की मजबूरियां हो जाती हैं, सरकार कठोर कदम उठाने के लिए आगे आती है जी। अब यदि कोई राज्य सरकार में जो विभाग है जी, वो अपने स्तर पर हेलमेट लोगों को अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध कराना चाहे तो किसने रोका है जी? क्या गडकरी जी ने मना किया है कि मध्य प्रदेश का जो विभाग है वो लोगों को हेलमेट उपलब्ध न कराए? क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट समय सीमा में उपलब्ध न कराए? क्या केंद्र सरकार ने रोका है कि आप आरटीओ कार्यालय साहब, आप तो इतना बड़ी सरकार है, केंद्र की सरकार है, इतना रिसर्च है आपका, आपको ऐसा कुछ प्रावधान करना चाहिए था जिससे राज्य सरकारें भी कंधे से कंधा मिलाकर चले। अभी तो आप इसको मनवाने में ही आप आधी लड़ाइयां आप लोग मनवाने और न मनवाने में लगे हुए, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति से, कोई आम सहमति से, क्या हो गया कि आम सहमति बनाना ही नहीं चाहते आप लोग? सवाल बहुत है, और बिल्कुल धर्मवर्धन, वक्त भी मेरे पास वक्त भी कम है। अवनीश, क्यों नहीं आम सहमति बनने दे रहे हैं आप भी? क्योंकि मैंने पहले भी कहा, ये सरकार बेलगाम सरकार हो गई, ये सरकार अपने घमंड में भूली हुई, इनको मालूम है कि हम कुछ ऐसी चीजों पर जाएंगे, फिर से कुछ ऐसा काम करेंगे कि जनता को हम फिर से बहला फुसला कर मोशन करवा कर हम फिर से वोट ले लेंगे। अरे जनता, आप, जनता की कोई नब्ज दबाएगा तो क्यों मानेगी जनता? देखिए रिजवान जी, बताता हूँ, ये आप समझा नहीं पा रहे हैं ना उन्हें। ये इन्होंने आरबीआई से भी रिजर्व फंड निकाला। अरे आप वहां जा रहे हैं, मत जाइए, मेरे पास मुझे नहीं चाहिए आरबीआई का रिजर्व फंड। आज देखिए, आज मुझे मोटर व्हीकल एक्ट पर बात करनी है। व्हीकल एक्ट की बात, आपके पास जितना जितना है वही बताइए। कहीं ये एक मनमाना निर्णय है जिसमें आम सहमति नहीं ली गई। अब आप क्या करने वाले हैं दुर्घटना ना हो, आपकी भी जिम्मेदारी है राज्य सरकार। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम क्या करेंगे, अभी तक तो आपसे बैठ का विरोध कर रहे हैं, बाकी चीजें नहीं कर रहे। पहले तो हेलमेट पहनने के प्रति जबरदस्त जागरूकता फैलाएंगे, स्पीड ब्रेकर्स जो बनाने चाहिए जिस तरह की स्टैंडर्ड के, उतनी दूरी पर स्पीड ब्रेकर बनाएंगे, ये बकायदा मसौदा तैयार है हमारा, आप देखें कुछ दिन में हम आएंगे, और जो कोशिश करेंगे कि गाड़ियों के, खासकर जो एबीएस हैं वो गाड़ियों के एबीएस ढंग से काम करें, क्योंकि कर्व वाले रोड पर जो एक्सीडेंट, खासकर रोडों पर जानवर ना आए आवाज, ये आप बता चुके हैं, अब मैं आपको रोकूंगा। अवनीश विजय माता साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों को यह कहूंगा जी,
कि सरकारों के प्रतिनिधि नहीं है, सरकारी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। पार्टियों के तो आपने जाके बताया, सरकार तो सुनेगी नहीं हमारी बात, सुझाव दें। मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। देखिए, एक्सीडेंट में जो ज्यादा डेथ होती है ना, वो आमतौर पर बस एक्सीडेंट में होती है। और बस एक्सीडेंट में भी जो बरातें वगैरह जाती है प्राय उसमें, और उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। आप देखिए, 4 से लेकर सुबह 3 बजे से 4 से 6-7 बजे तक स्टडी करने के बाद इस तरह एक सिलसिले की स्टडी की जाए, और उसमें कोई कठिन काम नहीं है। विदेशों में आप देखेंगे 8 घंटे से ज्यादा ड्राइवर को अलाउ नहीं, चलाने ही नहीं, गाड़ी खड़े कर देते। तो अगर आप केवल इतना कर दें, जागरूकता भी बड़ी मत करें, ड्राइवर को भी, ड्राइवर को भी हवाई जहाज के पायलट की तरह बनाए, तो सब ठीक वहां पर लिख दें कि भाई जिसके जिस तरह आप बारात लेने के पहले परमिट देख लेते हो, उस तरह भी देखो ड्राइवर है कि नहीं है, दिया हुआ तो नहीं है, सीसीटीवी लगा है कि नहीं लगा है, और ड्राइवर टाइम से चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो आधे एक्सीडेंट रुक जाएंगे। और उसमें बड़ी संख्या में रुक जाते हैं हेलमेट वगैरह में। दूसरा, आपने जैसे बताया कि रोड पर जा रहे हैं तो आप बैरिकेडिंग कर दीजिए, दोनों साइड से रोड को बंद कर दीजिए। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजें हो सके जिसमें खर्चा भी ज्यादा नहीं है। ये जो मैं बताऊं, इसे खर्चा नहीं, और जागरूक वागरूक करने से कुछ होता नहीं। कोई वर्षों से जागरूकता की जा रही, बहुत जागरूक हो गए लोग, अब तो आपको सख्ती करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास वाते साहब टाइम नहीं है। आपके अनुभव बहुत साझा करना चाहता था मैं, आप पुलिस अफसर हैं, बहुत कुछ देखा आपने। धर्मेंद्र सिंह आप हमारे साथ जुड़े, विजय वाते साहब आप हमारे साथ जुड़े, अवनीश बुंदेला आप हमारे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी, मेरे छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर नितिन चौबे आप मेरे साथ जुड़े। नितिन, आपसे लंबी बात नहीं कर पाया मैं, थोड़ा देर से जुड़े थे आप मेरे साथ, और आरसी भट्ट हमारे स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश, आप सब जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस कुछ नौजवानी के दौर की कुछ बातें याद आती हैं कि जहाँ ट्रैफिक की चेकिंग होती थी, हम 3 सवारी जाते थे तो उतर जाते थे, फिर अगले चौराहे पर जैसे ही चौराहा पार होता था फिर वहाँ पहुँच कर फिर अपनी गाड़ी पर बैठ जाते थे। चेकिंग तो हमेशा से होती रही है, आदतें हमारी नहीं बदली, हमने तौर तरीके नहीं बदले, अनुशासन नहीं अपनाया, हम अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं। लेकिन ये हमें सिखाना समझाना पड़ेगा, और ये स्कूल के दौर से अगर हम करें, घर से ये संस्कार दें तो बेहतर होगा। हमें उन माँ बापों को भी ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, उन शिक्षकों को भी ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, इसलिए कि आप चाहे जितना बोझ डाल दें, जितनी चीज़ें थोप दें, उससे काम होता नहीं है, मानवीय प्रवृत्ति है। आप बोझ डालेंगे, कोई चीज़ थोपेंगे तो उसका विरोध होगा, माहौल नहीं बनेगा और टकराव होगा। तो कोशिश कीजिए ना राज टकराए, ना केंद्र और न जनता इस पर नाराज़ हो, न इस पर सवाल खड़े हो, और एक ऐसा माहौल बने कि खुद की सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा, और सुनते रहें, बचपन से पढ़ते रहें कि दुर्घटना से देर भली, इसको समझिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।